समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर मैं अंकुर शुक्ला आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर श्रृंखला में आप सभी को मिलने वाले हैं आपकी दृष्टि 2022 से संबंधित सारे करंट अफेयर का पूरा एनालिसिस, जिसमें इसको 8 पार्ट्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कई सारे यूट्यूब चैनलों के माध्यम से आपके लिए PDF के माध्यम से वो आपके वीडियोज़ प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनमें ये आपके प्रमाणिक नहीं होते हैं, वो घटना चक्र के ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं होते हैं। लेकिन इसीलिए घटना चक्र ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपके इस बुक के 8 पार्ट्स में 8 लेक्चर को आप लोगों को फ्री प्रोवाइड किया है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रीय परिदृश्य को, विधिक परिदृश्य को, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को, खेल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और साथ में संक्षिप्तिकियाँ और उसके साथ उत्तर प्रदेश के बारे में भी वहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस वीडियो लेक्चर्स में हम यहाँ पर जो भी आपके PDF के माध्यम से जो भी चीज़ें आप देखते हैं, वो सारी चीज़ें एक प्रकार से इनविजिबल होती हैं। इसीलिए हमारा पूरा सेशन PPT के माध्यम से तैयार किया गया है, जिसमें सारी चीज़ों को PPT के माध्यम से क्वेश्चन आंसर राउंड के साथ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस सेशन में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने विधिक परिदृश्य के बारे में। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर इनको हम PDF से यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इन पर एक प्रकार से क्लियरिटी नहीं है, जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए हम लोगों ने इस पूरे प्रोग्राम को PPT के माध्यम से ऑर्गेनाइज करवाया है और आज हमारा टॉपिक होगा विधिक परिदृश्य। चलिए आइए बढ़ते हैं आज के सेशन में विधिक क्वेश्चन के साथ में, विधिक पॉइंट के साथ में। और पहला आपका अधिनियम है दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम। डियर कौन सा? दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम 2022 की बात की जा रही है। ये वही नगर निगम अधिनियम है जिसके बारे में अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा रही है। ये वही नगर निगम अधिनियम है जिसका अरविंद केजरीवाल काफ़ी विरोध कर रहे थे, और इसी नगर निगम अधिनियम को 2022 का पास किया गया है। ये जो नगर निगम अधिनियम है, एक प्रकार से जो दिल्ली नगर निगम है, अभी तक 3 भागों में बटी हुई थी, उन तीनों भागों को एक कर दिया गया है। यानी दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 में संशोधन करके एक प्रकार से दिल्ली नगर निगम को जो आपके अलग अलग 3 भागों में, जैसे उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली में बांटा गया था, उन तीनों को एकीकृत कर दिया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसी अधिनियम के माध्यम से तीनों निगमों को एकजुट करता है, जिसे एक नाम दिया गया है, उसका नाम क्या है? दिल्ली नगर निगम। अब 3 नगर निगम नहीं बचे हैं, केवल 1 नगर निगम रह गया है, और ये सारे फैसले जो हैं अब दिल्ली सरकार से हस्तांतरित करके केंद्र सरकार को भी सौंप दिया गया है। ये भी अधिनियम में संशोधन किया गया है। यानी ये सारे जो कार्य हैं अभी तक दिल्ली सरकार करती थी, लेकिन अभी से किसे हस्तांतरित कर दिया गया है? तो केंद्र सरकार को। इसी के साथ ही निगम में सीटों की कुल संख्या भी निर्धारित कर दी गई है, कितना? 250। तो 3 पॉइंट याद रखिएगा, दिल्ली नगर निगम के जो 3 अलग अलग भाग थे, उन तीनों को एक करके दिल्ली नगर निगम नाम दिया गया है। उसके अलावा दिल्ली में जो आपके सीटों की कुल संख्या है निगम में, वो स्थिर कर दी गई है 250। और इसके साथ ही दिल्ली में जितने भी नगर निगम से संबंधित फैसले थे, वो राज्य सरकार से यानी यूनियन टेरिटरी से हस्तांतरित करके केंद्र सरकार को सौंप दिया गया है। अगला हमारा जो संविधान संशोधन अधिनियम है, वो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम केंद्र सरकार का। इसमें जो संशोधन किया गया है डियर, ये संशोधन किया गया है जो आपके 1950 का SC और ST एक्ट है उसी में। यानी अनुसूचित जाति आदेश 1950 में और अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 दोनों में संशोधन किया गया है। और इसी संशोधन के माध्यम से झारखंड की जो SC सूची से भोक्ता समुदाय को निकाल करके राज्य की ST सूची में डाल दिया गया है। याद रखिएगा, इसी संविधान संशोधन के माध्यम से ST सूची में डाल दिया गया है। कहाँ की है? तो झारखंड की। समुदाय का नाम क्या है? तो भोक्ता समुदाय। नेक्स्ट हमारा संशोधन इसी से जुड़ा हुआ है संविधान में, अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन। एक प्रकार से वहाँ पर यहाँ पर अलग अलग संशोधन पास किया गया है। ये विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति के लिए है, जिसमें ये जो अधिनियम 2022 है, ये संशोधन करता है जो 1950 का जनजाति आपका अधिनियम अनुसूचित जनजाति का है। इसके माध्यम से एक प्रकार से त्रिपुरा में जो अनुसूचित जातियों की सूची में एक जनजाति है जिसका नाम है कुकी जनजाति, की उपजाति के रूप में दार्लोंग समुदाय को शामिल किया गया है। ठीक है, कौन से समुदाय को शामिल किया गया है डियर?
तो दार्लोंग समुदाय को भी शामिल किया गया है कुकी जनजाति की उपजाति के रूप में। याद रखिएगा कौन से राज्य में है, तो त्रिपुरा राज्य में है। तीसरा भी हमारा इसी से संबंधित है डियर, संविधान संशोधन अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022। ये आपका जो संशोधन है, यह विधेयक संशोधन जो आपका, ये सबसे पहले तो अनुसूचित जनजातियां जो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के स्पेशली एक्ट में संशोधन करता है 1967 में। साथ में यानी जो एसटी एक्ट था आपका, उसके अलावा संविधान संशोधन जो है आपके अनुसूचित जातियों के 1950 के एससी एक्ट में भी संशोधन करता है, और इसके माध्यम से विधेयक अनुशोधन अनुसूचित जाति जो आपकी एससी है उसके आदेश में संशोधन करता है, ताकि निम्नलिखित चार जिलों में जो गोंड समुदाय है उत्तर प्रदेश में उसको एससी की सूची से हटाया जा सके। और ये कौन से चार जिले हैं, चंदौली में, कुशीनगर में, संत कबीर नगर में और संत रविदास नगर में। और अगला हमारा संशोधन है डियर कौन सा, कृषि विधि निरसन अधिनियम। कृषि विधि, ये वही कृषि बिल है जिसके बारे में अभी काफ़ी चर्चा थी, ये वही कृषि बिल है जिसके लिए लाखों जो आपके किसान थे दिल्ली की सड़कों पर फैले हुए थे, आंदोलनरत थे, ये वही कृषि विधि निरसन अधिनियम है 2021 का डियर, याद रखिएगा। या जो आपका अधिनियम है सितंबर 2020 में पारित तीन कृषि कानूनों को निरस्त करता है, जो तीनों कृषि बिल थे आए उनको निरस्त किया गया है इस कृषि विधि निरसन अधिनियम के माध्यम से। और निरसित किए गए जो तीनों कानून हैं वो कौन कौन से हैं, तो पहला आपका है मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान समझौता अधिनियम 2020, दूसरा आपका है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020, और तीसरा आपका है अनिवार्य वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020। इस प्रकार से ये तीनों कृषि बिल भी याद रखिएगा, ये तीनों आपके कृषि बिल हैं जिनको आपके किसानों के, जो आप किसान हैं उन किसानों के विद्रोह एक प्रकार से आंदोलन के कारण सरकार ने इससे पीछे हटते हुए इसको निरसित करने का फैसला किया था, ठीक है। और जनवरी 2021 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी तीनों कृषि कानूनों को लागू करने से मना कर दिया गया था। अगला हमारा है ड्रोन नियम 2021। आपको पता है ड्रोन इस समय हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, वो चाहे कृषि का क्षेत्र हो, वो चाहे मेडिसिन का क्षेत्र हो डियर, क्योंकि आपको पता है छत्तीसगढ़ राज्य भारत का पहला राज्य बना है जिसने अपने राज्य में ड्रोन के माध्यम से एक प्रकार से बीजों का छिड़काव या उर्वरकों का छिड़काव किया है। तेलंगाना पहला राज्य बना है जहां पर दवाइयों का वितरण ड्रोन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया गया है दवाइयां। इस प्रकार से ड्रोन जो है इस समय काफ़ी इम्पोर्टेंट हो चुका है। और याद रखिएगा इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, नए उदार ड्रोन नियम 2021 के अनुसार अनेक अनुमोदन समाप्त कर दिए गए हैं, जैसे विशिष्ट प्राधिकार संख्या, विशिष्ट प्रोटोटाइप पहचान संख्या, विनिर्माण और उड़ान, यहाँ पर उड़ान योग्यता का प्रमाण पत्र की कोई ज़रूरत नहीं है, और साथ में ना ही रिमोट छात्र रिमोट पायलट लाइसेंस की कोई ज़रूरत है, और ड्रोन बंदरगाह प्राधिकार, ये सारी चीज़ों को समाप्त कर दिया गया है। उसके अलावा इसमें प्रपत्रों की जो संख्या है उसको भी एक प्रकार से सरल कर दिया गया है, ताकि लोगों को आसानी से उसकी सुलभ रूप से प्राप्त हो सके। तो प्रपत्रों की संख्या 25 से घटा करके 5 कर दी गई है, और इस पर 72 प्रकार के जो यहाँ पर शुल्क लगाए जाते थे उनको कम करके कर दिया गया है केवल 4। हरित क्षेत्रों में 400 फीट यानी लगभग 120 मीटर तक की और हवाई अड्डे की परिधि से लगभग 8 से 12 किलोमीटर के बीच के क्षेत्रों में 200 फीट के ऊर्ध्वाधर दूरी तक ड्रोन के उड़ान पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। उसके अलावा माइक्रो ड्रोन या जो गैर व्यापारिक इस्तेमाल के हेतु ड्रोन का प्रयोग किया जाता है एक प्रकार से, यानी जो निजी संस्थानों के द्वारा ड्रोन का प्रयोग किया जाता है उसकी बात की जा रही है, तो इसमें यह आपका रिमोट पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है इन आपके ड्रोन गैर व्यापारिक इस्तेमाल के लिए, ठीक है। माइक्रो और नैनो ड्रोन में रिमोट पायलट लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट हमारा है भारत में पंजीकृत जो विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियां हैं अगर वो ड्रोन का संचालन करती हैं तो उस पर भी किसी प्रकार का रोक नहीं लगाया गया है। उसके अलावा ड्रोन के भार में भी एक प्रकार से परिवर्तन किया गया है, ड्रोन कवरेज को जो 300 किलोग्राम से बढ़ा करके कितना कर दिया गया डियर, तो 500 किलोग्राम कर दिया गया। इन प्रकार से ड्रोन टैक्सी को भी परमिशन
दे दी गई है। और व्यापार अनुकूल नियम बनाने हेतु ड्रोन संवर्धन परिषद की भी स्थापना की जाएगी। अगला हमारा है 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021। आपको पता है हमारे संविधान में संशोधन आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है, 368 के तहत किया जाता है। और ये 105वां संविधान संशोधन जो अधिनियम हुआ है, ये आपका कौन सा एक 2021 जो अनुसूचित किया गया है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं डियर, तो याद रखिएगा, इसका उद्देश्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको पहचान करने की, जो राज्यों का अधिकार है उसको बहाल कर दिया गया है। ठीक है, एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के माध्यम से राज्यों से उनका ये अधिकार छीन लिया गया था, लेकिन फिर से इस एक्ट के माध्यम से उनको बहाल किया गया है, याद रखिएगा। क्योंकि यह आपका 5 मई 2021 को उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने हेतु आवश्यक था, क्योंकि अगर बिना आपका जो अधिनियम पास नहीं किया गया होता तो ये प्रभाव लागू रहता सुप्रीम कोर्ट का। मई 2021 में उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार 201वें संविधान संशोधन के लागू होने के पश्चात समुदायों को पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल करने या बाहर करने का जो राज्यों का अधिकार है वो समाप्त कर दिया गया था। तो फिर से राज्यों को अधिकार दिया गया है इस अधिनियम के तहत। नेक्स्ट हमारा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट अधिनियम है उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट विधेयक है डियर, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाया जाएगा। इस संविधान संशोधन में जब ये आपका होगा तो एक प्रकार से बहुत बड़ी पहल होगी हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या लगातार काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 है, जिसमें यह जो विधेयक है एक बच्चा नीति पर प्रोत्साहित करता है, लेकिन ये दो बच्चा नीति पर आधारित है, याद रखिएगा। यानी एक प्रकार से हम दो हमारे एक पर आधारित होना चाहिए, ये आपका जो अधिनियम है याद रखिएगा। लेकिन अभी हमारे देश में इसको हम दो हमारे दो के प्रावधान पर आधारित किया गया है। और साथ में इस विधेयक के मसौदे में यह प्रावधान है कि किसी भी दंपति को यदि दो से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो उसे कई प्रकार की सरकारी सुविधाओं से एक प्रकार से वंचित कर दिया जाएगा। वो सुविधाएं क्या क्या हैं तो सुन लीजिए, जो दो से चार होने वाले हैं वो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपको ये सावधानियां बरतनी पड़ेगी। क्योंकि हमारे देश, हमारे उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की जो स्वास्थ्य योजनाएं हैं उनसे वंचित होना पड़ेगा। राशन कार्ड आपका रद्द कर दिया जाएगा या उसके सदस्यों की सीमा 4 निर्धारित कर दी जाएगी। उसके अलावा राज्य सरकार से विभिन्न पदों में मिलने वाली जो सब्सिडी है वो समाप्त हो जाएगी। प्रदेश में सरकारी नौकरी में आवेदन पर रोक लग जाएगा, और साथ में अगर आप नौकरी में हैं तो नौकरी रहते हुए अगर दो से ज़्यादा बच्चे हो गए तो आपको प्रमोशन भी नहीं मिलेगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डियर, याद रखिएगा। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, हमेशा हम दो हमारे दो के कॉन्सेप्ट पर चलिएगा। अगर इससे ज़्यादा आपने कर दिया ना तो सारी चीज़ें छीन उठेंगी, नौकरी भी नहीं लगेगी, नौकरी है तो प्रोन्नति भी नहीं मिलेगी, और राशन कार्ड में भी 4 लोगों के अलावा राशन भी नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है इस कानून के मसौदे में 2 से अधिक बच्चे होने पर पंचायती तथा स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। और अगला हमारा है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है डियर, हमारे देश में एक प्रकार से जलवायु को नियंत्रित करने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए ये काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि इसी नियम के तहत जो है 2022 तक कम उपयोगिता वाले चिन्हित एकल प्रयोज्य यानी सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित किया गया है, यानी इसको समाप्त करने का प्रावधान किया गया है जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं, मृदा के लिए हानिकारक हैं, और साथ में जो पशु हैं उनके लिए हानिकारक हैं, क्योंकि ये जो आपके प्लास्टिक्स होते हैं पशुओं के मुँह में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो शरीर में गलता नहीं है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इसी में कि 1 जुलाई 2022 से पॉलिस्टीरीन विस्तारित पॉलिस्टीरीन समेत विभिन्न एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण पर, आयात पर, भंडारण पर, वितरण पर, बिक्री पर और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी पूरी तरह से इसको समाप्त करने का एक प्रकार से आदेश जारी कर दिया गया है। अगला हमारा है आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम 2021। यह आपका अधिनियम जो है 2021 जारी किया गया है
आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम। ये जो आवश्यक रक्षा सेवा जो अधिनियम है डियर, एक प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा भारत की संप्रभुता एकता, किसी राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, जनता शालीनता या नैतिकता के हित के लिए जरूरी होने पर आवश्यक रक्षा सेवाओं से जुड़ी हड़ताल, तालाबंदी, छटनी, इन सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगाता है। यानी सिंपल सी बात है, अगर आप अब चाहते हैं कि देश खतरे में है तब भी आप हड़ताल करें तो नहीं कर सकते हैं। कोई भी संगठन जानबूझकर अगर कहीं पर जब देश को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो तब हड़ताल करना चाहता है तो नहीं कर सकता, तालाबंदी करना चाहता है तो नहीं कर सकता, अपने कर्मचारियों को निकालना चाहता है तो नहीं निकाल सकता। ये रोक लगा दी गई है सरकार के द्वारा इस अधिनियम के माध्यम से। और ये क्यों किया गया है? क्योंकि जब कोविड काल में जब लाखों लोग मर रहे थे उस समय हमारे देश में कुछ डॉक्टरों ने हड़ताल की घोषणा की थी। जब डॉक्टर सबके लिए भगवान बने हुए थे, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था, उस समय डॉक्टरों के द्वारा हड़ताल एक बहुत बड़ी बात थी। और इसी घटनाक्रम को देखते हुए हमारे सरकार के द्वारा ये अधिनियम पास किया गया, जिसके माध्यम से अगर देश को आपकी ज़रूरत है और उस समय आपने हड़ताल किया तो आप अपराधी हैं, उसके लिए दंड का भी प्रावधान है। अब वो दंड क्या है? तो प्रतिबंध 6 महीने से ज़्यादा भी लागू किया जा सकता है, यानी 6 महीने के बाद उसको 6 माह के लिए विस्तारित भी किया जा सकता है। और साथ में यह जो प्रतिबंध का आदेश है जारी होने के बाद या इसके पहले से अगर कोई तालाबंदी हुआ है तो वो भी तुरंत समाप्त हो जाएगा। इसके साथ में अगर इसका कोई अवैध, इसका एक प्रकार से मानता नहीं है कोई व्यक्ति या कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके लिए गैर कानूनी तालाबंदी या छटनियों के जरिए प्रतिबंध के आदेश का उल्लंघन करने वाले के लिए कम से कम 1 वर्ष की सज़ा या 10,000 रुपये का जुर्माना, या फिर आपकी 1 वर्ष की सज़ा और 10,000 का जुर्माना दोनों एक साथ भी किया जा सकता है। उसके अलावा अगर अवैध हड़तालों की बात की जाए तो अवैध हड़तालों के लिए भड़काने में, उसकाने के लिए, जारी रखने के लिए या फिर उसके लिए धन मुहैया कराने के लिए लोगों को कम से कम 2 वर्ष की सज़ा और 15,000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों एक साथ हो सकता है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे जितने का इम्पॉर्टेंट आपके अधिनियम थे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अधिनियम थे जिनके बारे में यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है डियर, उन सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है, अधिनियम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स होते हैं और जो भी आपके इस किताब में वर्णन किए गए हैं। याद रखिएगा जितने भी अदर आपके आर्टिकल्स हैं, जो भी अदर आपके एक प्रकार से संशोधन है, आपको किताबों में कुछ अन्य संशोधन भी मिलेंगे, लेकिन जितने हमें लगते थे कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, उन सारे पॉइंट्स को हमने कवर करने का प्रयास किया है अपने इस सेशन में। तो एक बार जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और एक बार कमेंट करके आंसर ज़रूर बताइएगा कि घटना चक्र की ये जो पहल आपके लिए है, किताब के साथ साथ ऑनलाइन वीडियोज़ भी आपको फ्री में मुफ्त आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ये पहल आपको कैसी लगी कमेंट में आंसर करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।